चार दिनों से मुंबई के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे अभिनेता दारा सिंह को ब्रेन हेमरेज होने के कारण उनके ठीक होने की बहुत कम उम्मीद है। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे दारा सिंह की बीमारी की खबर पहुंची, उन्हें देखने बॉलीवुड की तमाम हस्तियां कोकिलाबेन हॉस्पिटल में पहुंचने लगी। आखिर क्यों नहीं, वो भी एक सदी के महानायक जो है। उन्हें देखने पहुंचे धर्मेंद्र जी ने क्या कहा ये जानते हैं। प्रे करो कि ठीक हो जाए, बस लेट्स ऑल प्रे फॉर हिम। इज माय डार्लिंग ब्रदर शत्रुजी इज फाइन। तो सर अभी इनकी हालात कैसे हैं? मतलब दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, डॉक्टर्स आर ट्राइंग, लेट्स प्रे, दैट्स ऑल। ओके, सिंह के बेटे बिंदु सिंह अपने पिता के हर पल की खबर मीडिया के समक्ष देते रहे, जिसे लाखों करोड़ों दारा सिंह के चाहने वाले यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वह ठीक होकर आए। वही कई बार दारा सिंह पर यह सफाई देते हुए नजर आए कि उनके पिता की गलत खबर सामने आई। उन्होंने मीडिया से विनती की है कि इस तरह गलत समाचार देकर लोगों में निराशा न फैलाए। जो हो रहा है हमें पता है कि बहुत डेंजरस है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दे आर नॉट वेरी वेरी गुड। डॉक्टर्स आपको अभी थोड़ी देर के आगे बताएंगे, ब्रीफ करेंगे, लेकिन इट्स नॉट लुकिंग गुड। तो वी हैव टू जस्ट प्रे कि जो भी डैडी के लिए राइट हो वो हो, एंड आप लोग प्लीज़ यही प्रे करें कि डैडी को शांति मिले। अगर वो यहाँ ठीक होने वाले हैं तो ठीक हो, और नहीं होने वाले तो प्लीज़ जाएँ। रिपोर्ट्स हमें दिख रही हैं, तो रिपोर्ट्स से दिख रहा है कि इट्स नॉट लुकिंग ब्राइट, मतलब रिपोर्ट्स आर नॉट लुकिंग सो ग्रेट। आप सोचोगे यानी रिपोर्ट में दो तीन चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि ये ठीक कर सकते हैं, और एक आध चीज़ ऐसी दिख रही है कि बहुत मुश्किल है। तो अभी वो बेचारे हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं। डॉक्टर्स आएंगे तो अच्छी तरह आपको बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड गॉड जस्ट होप के शांति शांति यही मैं बिंदु जैसा कल आपने बताया एब्सोल्युटली, इनने जो चीज़ें टेस्ट एक आदमी के कर सकते हैं वो सारे के सारे कर लिए हैं। मुझे लगता है कि अंबानी हॉस्पिटल इज द बेस्ट हॉस्पिटल, आई कैन नॉट बिलीव जिस तरीके से इन्हें टेस्ट किए, दैट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। एक आदमी को वो आप MRI भी करा के लेके आए, कमाल है। आई एम वेरी वेरी सैटिस्फाइड, आई थिंक वी हैव गिवन इट। बिंदु जैसा आपने कल बताया था कि सेहत में जारी कर सकते हैं आप, डॉक्टर्स आएंगे और मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे। हमें उनकी शक्ल देख के तो चीज़ें ठीक नहीं लग रही, अब वो आएंगे और आपको एग्जैक्ट बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इट्स अ वेरी वेरी टफ थिंग अभी, मतलब मुझे लग रहा है कि यानी आई थिंक जो डैड को चाहिए वही हो, बस आप लोग यही प्रे कीजिए। बिंदु जैसा आपने कल बताया था कि सेहत में सुधार होगा तभी MRI या फिर CT स्कैन होगा, इन लोग तो मतलब सेहत में सुधार हुआ, इन लोग ने लाइफ सपोर्ट की चीज़ें लगाई हैं। लाइफ सपोर्ट में ये लोग उतना सुधार चाह रहे थे कि ले जा सके लाइफ सपोर्ट की चीज़ें थोड़ी निकाल के टेस्ट करने, तो इन लोगों ने कमाल कर दिया है कि दोनों टेस्ट आज ही कर दिए हैं, अब इनके हाथ में, ये लोग आके आपको ज़रूर बताएंगे।